नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर, हमारे बहुत सारे दर्शक हमें लगातार कहते रहते हैं कि साइलेज बनाने के प्रक्रिया को हम विस्तार के साथ दिखाएं, तो इस वीडियो पर हम साइलेज बनाने के प्रक्रिया को आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से साइलेज बनता है। और ये सारडा डेयरी है, जगह की बात करूँ तो ये खरोरा है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पर मौजूद है। और ये आपका सर परिचय क्या है? मेरा नाम डॉक्टर ऋषि कुमार गुप्ता है, मैंने MBSC गायनेकोलॉजी में किया हूँ। अच्छा सर। और मैं अपने कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और यहाँ इस डेयरी फार्म में लगभग मैं 3-4 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे हूँ और मैनेजमेंट और डेयरी फार्म ऑपरेशन से रिलेटेड वर्क को मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है सर। सर, यहाँ पे टोटल कितनी गाय हैं? यहाँ लगभग 2500 गाय हैं। 2500 गाय, कौन से नस्ल की सर? ये HF क्रॉस ब्रीड है। और हम सर इंडिया पे बात करें तो ये डेयरी फार्म इंडिया लेवल पे कितने नंबर पे आता है? ये सेकंड नंबर पे आता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में गाय पालन बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो आप अपना सीना चौड़ा कर लीजिए। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास से दिखा रहे हैं, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डेयरी फार्म है, और वहाँ से हम दिखाएंगे साइलेज बनाने का प्रोसेस डिटेल के साथ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। एक सर और हैं, जरा परिचय पूछ लेते हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम संजय चौधरी है, मैं डेयरी फार्म में मेंटेनेंस का काम देखता हूँ। अच्छा, मेंटेनेंस। और ये जो साइलेज बनाने की प्रक्रिया है वो वहाँ से शुरू हो रही है, और ये मक्का आया हुआ है, तो हम भी वीडियो वहीं से चालू करते हैं और आते हैं यहाँ तक पूरा प्रोसेस देखने। ये देखिए, ये आया हुआ है मक्का, है ना सर, कटिंग होने के लिए, और ये ट्रक पे लोड होके आया है। अभी यहाँ से वहाँ तक पूरा जो है मशीन तक लाइन लगा हुआ है, और ये हम दिखाते हुए और बात करते हुए समझाते हुए चलते हैं। सर, ये मक्का कहाँ से आता है? ये मक्का जो हमारे आसपास के खरोरा के नियर बाई जो गांव हैं, हाँ, वहाँ से आता है। हाँ। और हम किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं। अच्छा। जिसके थ्रू लगभग 15 से 20 हज़ार मेट्रिक टन मक्का हमारे यहाँ कटता है, जो कि साइलेज हम जिससे बनाते हैं। पर डे का कितना है? पर डे का 150 से 200 टन। पर डे 150 से 200 टन कटता है। कटता है। तो ये जो साइलेज बनाते हैं, इसमें ज़रूरी है कि मक्का पे फल ना लगा हो, ऐसा है क्या? नहीं, मक्का काटने का जो स्टेज है, जब फसल हमारी 80 से 90 दिन की हो जाती है, उस टाइम पर हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि मक्का हम का जो फल है, जो कॉर्न बोलते हैं इसको, हाँ, अगर वो मिल्किंग स्टेज में आ गया है, हाँ, मिल्किंग स्टेज यानी कि जब हम उसको नाखून से दबाएंगे, हाँ, तो उसमें दूध निकल रहा हो। अच्छा। यानी कि ये जानने के लिए कि जो मक्का है वो ज़्यादा पका भी ना हो और बहुत ज़्यादा कच्चा भी ना हो, उसको पता करने के लिए हम मिल्किंग स्टेज को आइडेंटिफाई करते हैं। मिल्किंग स्टेज फ्लावरिंग स्टेज के बाद आती है, तो जब नाखून से दबाएंगे, जब देखेंगे उसमें दूध आ रहा है, तो हम सोचेंगे ये अब मक्का हमारा कटने के लिए, साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त है। अच्छा। छत्तीसगढ़ी पे एक शब्द है पोटराना, जैसे धान को कहते हैं कि धान पोटरा गए, मतलब उसमें दूध आ जाता है, वैसा ही मक्का के साथ होता है, तब उसको ले आते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये देखेंगे हम, ये मक्के का कॉर्न है, भुट्टा बोलते हैं इसको, इसको जब हम दबा के देखेंगे, जब इसमें ये मिल्किंग स्टेज में आ जाएगा ना, हाँ, तो हम समझेंगे ये जो है कटिंग के लिए उपयुक्त हो चुका है। अच्छा। तब हम फार्मर को सजेस्ट करते हैं कि आप इसको काट के अब हमारे यहाँ भेजिए। आपका क्या परिचय सर? मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मौर्य, यहाँ से, या अभी साडा डेयरी में मैंने एक साल हो गया ज्वाइन किए हुए। अच्छा। एक साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक सर। और एक सर और है, जरा पूछ देते हैं। हाँ सर, मेरा नाम संजय कुमार पुरेना है। हाँ। मैं पिछले 8 साल से फीड सुपरवाइजर के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। अच्छा, ये फीड का जो सारा कारोबार है आप देखते हैं? हाँ जी सर। कि कैसे फीड आएगा, कैसे फीडिंग होगी, हाँ, ये सारा देखते हैं जी सर। ठीक है सर। तो सर, ये जो हम देख रहे हैं मक्का, तो इसको किसानों को ये कैसे पेड होता होगा? किसानों को पर केजी के हिसाब से हम लोग पेड करते हैं। हाँ। 3.5 रुपये किलो के हिसाब से हम उनको, हाँ, पेड करते हैं, एक पौधा जो रहता है कम्प्लीट। हाँ। तो 1 किलो का रेट 3.5 रुपये किलो है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, साइलेज बनाने के लिए जैसे आप किसानों से ले रहे हैं, तो उसके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या देखते हैं और क्या क्या होना चाहिए मक्के पे जिस वक्त वो मशीन पे जा रहा है? जिस वक्त वो मशीन पे जा रहा हो, हाँ, उस समय पहले तो पौधे का जो डायमीटर है, यानी कि जो उसमें सूखा पोर्शन है, हाँ, वो
लगभग 60-62% के आसपास होना चाहिए, यानी कि जो पौधे में मॉइस्चर है, मॉइस्चर लेवल 25-28% कम से कम होना चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साइलेज जब हम बनाते हैं तो उसके लिए एनएरोबिक फर्मेंटेशन की एक प्रोसेस होती है, उसके लिए अगर ज़्यादा सूखा रहेगा तो एनएरोबिक फर्मेंटेशन नहीं होगा। तो ये मक्का लेते वक्त किसान को भी ध्यान रखना है। हाँ, उसको भी ध्यान रखना है कि 80-90 दिन में जब ये तैयार होता है तब एक बार हमारा जो सुपरवाइजर है वो सर्वे करता है फील्ड में जाके और वहाँ देखता है कि क्या ये मक्का काटने के लिए उपयुक्त है, तब वो किसान को इंडिकेशन देता है कि अब आप मक्का भेजिए। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो किसान आपको मक्का बेचते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह भी उपलब्ध कराती होगी कंपनी? कंपनी बीच बीच में जाती है उनको चेक करने के लिए कि कैसा है मक्का और कौन सी बीज लगाना है, ये सब सलाह उनको दिया जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ये अभी हम मक्के का साइलेज देखने जा रहे हैं, मक्के के अलावा और किसी अनाज के फसल का साइलेज बना सकता है किसान की खाली मक्के का बनाए? और भी फसल का साइलेज बनाया जा सकता है। CO4 का बनता है, नेपियर का बनता है, इसके बाद शुगर ग्रेज का बनता है। अच्छा, कभी कभी तो बरसीम को मिक्स करके भी साइलेज बनाते हैं। अच्छा, इस तरीके से बना सकते हैं। ज्वार का बनता है। ज्वार का भी बनता है और बाजरे का? बाजरे का भी बना सकते हैं। अच्छा, तो इन सारी चीज़ों का बना सकते हैं। और ये साइलेज कौन सा जानवर जो है चाव से खाता होगा? गाय भैंस। गाय भैंस बहुत चाव अच्छे से खाते हैं। ठीक है, अभी इधर पे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वहाँ पे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से अनलोडिंग होती है और किस तरीके से ये कटिंग होती है। तो यहाँ से कटाई के लिए मक्का जा रहा है। हाँ। और ये कन्वेयर के थ्रू जा रहा है, ये कन्वेयर के और ट्रैक्टर या ट्रक से इस पे अनलोडिंग हो रही है। हाँ। ये इसका प्रोसेस है। अभी हम चलते हैं आगे और उधर से देखेंगे सर, ये कन्वेयर के थ्रू आगे बढ़ रहा है सर। हाँ। और वहाँ कटिंग हो रही है। ठीक है, और चौधरी जी ये किस तरीके से कटिंग हो रही है? ये चाप कटर मशीन है। ये अपना जो भी है मक्का आता है उसको पर डे कम से कम 150 टन के आसपास इसकी कटिंग कैपेसिटी है। अच्छा, इसे मक्के को 10 mm के साइज में कटता है और इसको साइलेज जो देख रहे हैं आपको ऊपर कटिंग होके ऊपर से निकल रहा है। हाँ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से ऑपरेट होता है, रिवर्स फॉरवर्ड सारी चीज़ें इसी से होती है। एकदम मल्टीफंक्शनल है, इसको फील्ड में भी लेके कटिंग कर सकते हैं। हमने इसको स्टेशनरी बनाया हुआ है जो कि हम बाहर से प्रोक्योर करके मक्के को यहाँ कटिंग करते हैं। ठीक है, अभी उधर चलते हैं सर। अब ये कटिंग होके बाहर निकल रहा है, इधर से निकलेगा और फिर आगे चल के जेसीबी पे लोड होगा, इसको फिर हम बंकर में भरेंगे। किधर के बंकर में भरना है सर? उधर के। चलिए सर देखते हैं। ये देखिए, ये निकल रहे हैं, कटिंग होके निकल रहा है और किस तरीके से तैयार हो रहा है जरा आपको दिखाते हैं। इसमें मक्के का दाना भी है। हाँ। और ये सब चॉपिंग होता है, क्रॉप प्रोसेसर अंदर लगा है जो मक्के को तोड़ता है, जो गैया खाती है टूटता है तब इसमें प्रोटीन मिलता है जिससे गैया को बेनिफिट मिलता है। अच्छा। जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ये होता है, ये हम साइलेज बनाते समय इसको देखते हैं, खासकर इसमें मॉइस्चर जो होता है ना 28% प्लस होना चाहिए। अरे सॉरी, ड्राई मैटर जो है 28 से प्लस होता है तो अच्छा प्रोटीन मिलता है इसको। अच्छा ठीक है, अब इसको स्टोरेज करने के लिए ले जाएंगे। इसको ये कटिंग हो गया, कटिंग होने के बाद में साइलेज दो प्रोसीजर से बनता है अपना, एक बंकर के थ्रू बनता है और दूसरा बैग में बनता है। अच्छा, तो अभी हम ये जो देख रहे हैं हम बंकर में अभी बना रहे हैं। हाँ। और इसके बाद में हम उधर बैग भी बन रहा है, दोनों प्रोसीजर से बन रहा है हमारे पास। ठीक है, दोनों को देख लेते हैं। पहले से बना हुआ है सर, पहले से। अच्छा, ये पहले से बना है। हाँ, पहले से ये बना। पहले से बना हुआ है बोल रहे हैं, पूरी तरीके से कवर करके इसको रखे हुए हैं। हाँ, ये 45-60 दिन में तैयार हो जाता है, उसके बाद कभी भी इसको खोल सकते हैं। तो इस तरीके से कितने दिन ढक के रखना पड़ता है सर? कितने भी दिन ढक के आप रख सकते हो। हाँ। लेकिन 45-60 दिन में ये रेडी होता है। मिनिमम जो है 45-60 दिन है आपको रखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप कभी भी खोलो ये सही रहेगा क्वालिटी। अच्छा ठीक है, और बिल्कुल भी इस पे हवा बाहर की नहीं जानी चाहिए, मतलब पैक होने के बाद हवा नहीं जानी चाहिए बाहर की। अच्छा सर, जो बंकर हम देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी क्या है? ये जो बंकर है इसकी कैपेसिटी 1200-1500 मेट्रिक टन है। हाँ। तो जैसे अगर एक बंकर हमारा छोटा है उसमें 1200 मेट्रिक टन भरते हैं। हाँ। बाकी तीन बंकर में हम मतलब ड्राई मैटर के हिसाब से और उसकी क्रॉप के हिसाब से 1200-1500 मेट्रिक टन के बीच में भर लेते हैं, उसको पैक कर देते हैं। ठीक है। हाँ सर, ये बंकर है? ये बंकर है। हाँ। और चॉपिंग होने के बाद मक्का यहाँ पे आता है। हाँ।
फिर उसको हम लोग प्रेस करते हैं। अच्छा, ये प्रेस कर रहे हैं जैसे आप देख रहे होंगे, प्रेस होता है ये प्रेस कर रहा है। प्रेस इसलिए करते हैं जैसे कि साइलेज की क्वालिटी अच्छी रहे, बेटर रहे और वो एनएरोबिक फर्मेंटेशन प्रॉपर हो। और जो मक्के का दाना होता है उस दाने से लैक्टिक एसिडोसिस होता है, जिस वजह से फर्मेंटेशन होता है। अच्छा, मक्के के दाने में लैक्टिक एसिड होता है। अच्छा, तो उसके बाद ये अच्छी क्वालिटी का बनता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि साइलेज होता क्या है। साइलेज क्या है कि कोई भी जो लेग्यूमिनस क्रॉप है उस क्रॉप को चॉपिंग के बाद, उसकी कटिंग के बाद उसको प्रिजर्व कर लेना। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जिस हिसाब से सीज़न है, हमारे देश में जिस हिसाब से सीज़न है, सभी सीज़न में जो ग्रीन हरा चारा होता है उसकी उपलब्धता सभी सीज़न में नहीं होती है। तो जब सभी सीज़न में हरे चारे की उपलब्धता नहीं होती है, तो जैसे जब जब सीज़न रहता है उसका, उस टाइम तो हरा चारा हम काट के खिला देते हैं। लेकिन जब गर्मी का सीज़न आता है, जब हरे चारे की उपलब्धता नहीं रहेगी या उस फसल का सीज़न नहीं रहेगा, उस टाइम पे गाय को खिलाने के लिए हरे चारे को हम प्रिजर्व कर लेते हैं। जैसे हम लोग आम का अचार बना लेते हैं या मुरब्बे का अचार बना लेते हैं, आंवले का अचार बना लेते हैं, फिर हम किसी भी सीजन में खाते हैं या किसी भी सब्जी को भी वैसा ही प्रिजर्व करते हैं, तो इसको हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं। जब 45 दिन तक ये प्रिजर्व रहता है चॉपिंग होने के बाद, ढक देने के बाद, साले सेवर का इसमें मिलाने के बाद, तो 45 दिन के बाद ये तैयार हो जाता है। उसके बाद आप कभी भी खिलाइए, इसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। इसमें एनर्जी वैल्यू, प्रोटीन वैल्यू, सारी वैल्यू मेंटेन हो जाती हैं। और जो एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये तीनों एसिड इसमें साइलेज की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं, जो कि साइलेज की क्वालिटी को, उसकी स्मेल को, उसके पीएच को, उसके डायमीटर को मेंटेन रखते हैं। ये सारे पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद ही हम साइलेज एनिमल्स को खिलाते हैं। तो इसको साइलेज बनाने की ज़रूरत यही है। अच्छा, तो सर इसको अपन कितना लॉन्ग टर्म, कितना लॉन्ग पीरियड तक खिला सकते हैं? इसको आप कभी भी खिला सकते हैं 45 दिन के बाद, ये ख़राब नहीं होता। एक बार जो बन गया ना, खराब नहीं होता। ठीक है तो सर एक चीज़ समझना चाहेंगे, इससे मीठी मीठी खुशबू आ रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एसिटिक एसिड है। अच्छा, जो जो तीनों एसिड्स बनते हैं, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वो जब एसिड्स बन जाते हैं एनएरोबिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिडोसिस के बाद, तो उसके बाद ये इसमें स्मेल आ जाती है। अच्छा, ये विनेगर लाइक की स्मेल आती है। हाँ, और ये गाय के लिए काफ़ी, ये ऑर्डर काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है। हाँ, और इसके फीड को काफ़ी पैलेटेबल बनाता है। अच्छा, हाँ ठीक है सर। ये सर क्या हो रहा है अभी? ये जो मक्का हमने चॉप किया है, जो कटिंग वाला मक्का है ना, उसको हम बैग में भर रहे हैं। बैग में भर रहे हैं, साइलेज बैग बोलते हैं उसको। अच्छा, सामने बैग रखा है? सामने बैग रखा, उसमें जाके भर रहा है। ये ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है, और वो जो मशीन देख रहे हैं हम जिसमें कन्वेयर लगा है, वो ऊपर उठा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको वर्षा बैगर बोलते हैं। अच्छा, क्या कॉस्टिंग है सर उसकी, कितने? ये 25 लाख के आसपास आई थी, अमेरिका से हमने इसको परचेस किया था। और ये जो कन्वेयर के थ्रू नीचे डाल रहा है, ये फॉरेज वैगन है। अच्छा, ये भी अमेरिका से आई थी। ये भी अमेरिका से आई है, ठीक है। तो चौधरी जी, इसका कैपेसिटी क्या क्या है? ये एक बैग में हमारा करीब 170 से लेके 200 टन के आसपास आता है। हाँ, ये कन्वेयर के थ्रू जा रहा है। अंदर में एक ऑगर है। हाँ, है ना, जो उसको कंप्रेस करता है, प्रेस करके आगे भेजता है, और जिसके कारण वो पीछे भरते जाता है और ये आगे चलते जाती है मशीन। अच्छा, अपन पीछे चल के भी देख सकते हैं। देखेंगे। हाँ हाँ, आइए पीछे चल के दिखाते हैं आपको। ये इधर अजगर के जैसे निकल रहा है ना? ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मटेरियल ऊपर से अंदर से आके ये प्रेस करता हुआ जाता है। ये अंदर में आप देख रहे हैं कि ये पूरा टाइट है। अच्छा, ये इसको कंप्रेस करके अंदर में इधर डालता है, फिर आगे बढ़ते जाता है, ऐसे निकलते जाता है। हाँ, और ये करीब 60 फीट लंबा एक बैग बनता है। 60 फीट लंबा एक बैग, 60 फीट बैग बनता है। तो उसमें 60 फीट में कितना साइलेज आ जाता होगा? अप्रोक्स 175 to 200 मेट्रिक टन के आसपास आता है एक बैग में। एक बैग में, हाँ। अच्छा सर, ये तो हमने साइलेज बनाने का जो क्रम है उसको देखा, प्रक्रिया देखी हमने। लेकिन कोई किसान साइलेज बनाता है तो उसको 1 kg साइलेज बनाने में कितना खर्चा बैठ जाएगा? हमारे यहाँ 1 kg साइलेज बनाने का खर्चा 6 से 7 रुपये बैठता है, जिसमें मैन पावर है, मशीन है, बैगर हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम साइलेज बनाते हैं ना, तो कुछ परसेंट वेस्टेज भी हो जाता है हमारा, मक्के का कुछ परसेंट वेस्टेज भी हो जाता है और मॉइस्चर लॉस भी होता है, जिस वजह से इसकी कॉस्ट 6 से 7 रुपये के बीच में आती है। मक्का मिला के बोल रहे हैं सर? कंप्लीट कंप्लीट
ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, छत्तीसगढ़ से हम दिखा रहे थे कि शैलेज कैसे बना सकते हैं किसान भाई, और जहाँ से दिखा रहे थे ये साडा डेयरी, और ब्रांड का नाम है वचन, और वचन है तो वचन का मतलब होता है कि रहू के लिए सदा चल। प्रॉमिस टू गिव ए हाईली क्वालिटेबल मिल्क, और मैं हिंदी में कह दूँ या अवधि पे तो रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना, ये वचन का महत्व है। तो समझ सकते हैं कितना कमिटमेंट है इस डेयरी फार्म का लोगों के साथ। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले, धन्यवाद।